हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शाह जमल। आज हम आपको सिखाएंगे गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं। इवन जो किचन में गया भी नहीं होगा आज तक, वो भी आराम से उसे बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। हियर आर सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे किचन में अवेलेबल होंगे, हर एक किचन में अवेलेबल होंगे। ज्यादा मैंने इसमें वो टिपिकल या कॉम्प्लेक्स वाले इंग्रेडिएंट नहीं डाले हैं, बिल्कुल अवेलेबिलिटी जो हमारे किचन में है वो रखे हैं। सबसे पहले हमें ये रिफाइंड का तेल, अगर इससे बेटर जो आपको अच्छा लगे, हालांकि इससे बेटर सिफ्ती ही अगर वो अवेलेबल है आपके पास, मेरे किचन में अभी इस टाइम ये अवेलेबल था तो हमने ये लिया। तो ये सबसे पहले ये होना चाहिए रिफाइन का तेल। और हमने कुछ खजूर लिए हैं और इसमें कोकोनट है, और हमने ये कश्मीरी वॉलनट लिए है और बादाम है। अभी हमने ये तोड़े नहीं है, अभी हम सिर्फ आपको बताएंगे कौन कौन सी इंग्रेडिएंट मस्ट है इसमें, और शुगर, और इसमें किशमिश है, और इसमें बादाम, और इसमें कोकोनट, वो क्रश करके है, और दूध होना चाहिए। देसी मिल्क अगर होगा दैट इज बेटर। हमारे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था तो हमने पैकेट वाला दूध दिया। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स दैट शुड बी कंपल्सरी गाजर के हलवे बनाने में। तो गाजर के हलवे में सबसे पहले हम गाजर का हलवा बनाएंगे कुकर में। तो मेरे पास 6 केजी थे, हमने वो क्रश किए बिल्कुल कम्प्लीटली, अभी हम वो आपको दिखाएंगे। ये 6 केजी मैंने पहले लिए, लेकिन सॉरी फॉर दैट, मैंने ये फुल था रिफाइन का तेल, ये रिफाइन का तेल बिल्कुल फुल था, मैंने ये बिल्कुल मोर देन हाफ लिया, क्योंकि मेरे पास 6-7 केजी थे गाजर। पहले मैंने ये लिया, फिर मैंने ये कुकर में डाला, फिर मैंने हीट मतलब मीडियम रखना है, हीट 3 to 4 मिनट हमें रखना है ये जब हम रिफाइन तेल कुकर में डालेंगे। उसके बाद हमें गाजर डायरेक्टली सारा इसी में डालना है, और हमें इसको स्टेयरिंग करनी है, कंटिन्यूसली करनी है। मैं आपको किचन में हीट के ये गैस के ऊपर दिखा था, लेकिन वहां पे लाइट की प्रॉब्लम है इसलिए मैं वहां नहीं आपको दिखा सकता हूं। तो फिर उसके बाद हम स्टेयरिंग करेंगे कंटिन्यू। तो मैंने क्या बोला था आपको, पहले रिफाइन का तेल हमें डालना है, वो 2-3 मिनट तक हमें फ्लेम पे रखना है। उसके बाद डायरेक्टली हमें गाजर इसमें डालने हैं, और 5 मिनट तक हमें स्टायरिंग करनी है। 5 मिनट के बाद हमें इसको ढक्कन रखना है, और इसी तरह हमें 20 to 30 मिनट तक इसको ऐसे ही रखना है, लेकिन बीच बीच में इसको चेक करना है, स्टायरिंग करनी है। तो इसका अमाउंट जो होगा वो विद पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़ा सा रिड्यूस होता जाएगा, लेकिन 25 to 30 मिनट हमें रखना है, ढक्कन रखना है इसके ऊपर, लेकिन 1 मिनट के बाद इसको स्टायरिंग कंटिन्यूअसली करनी है। 20 मिनट्स के बाद आप देख सकते हो कि कितना अमाउंट कम हुआ गाजर का। 20 to 25 मिनट्स के बाद आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि कितना अमाउंट कम हो गया, और फिर से हम इसको और 10 to 20 मिनट्स हम फिर से हम रखेंगे फ्लेम पे। तो फिर से मैं सॉरी कहूंगा, क्योंकि मैं किचन में लाइट नहीं है, वहां पे कुछ लाइट प्रॉब्लम है, सो आई कुड नॉट बी एबल टू शो यू इन माई किचन। सो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो कितना ये जो पानी है, पानी भी निकल रहा है, अभी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर से हम इसको 20 मिनट्स रखेंगे मीडियम फ्लेम पे, लेकिन इसको हम स्टायरिंग कंटिन्यू करेंगे, इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे, और हर 1-2 मिनट के बाद हम इसको स्टायरिंग करेंगे और ध्यान रखेंगे। ये हमने सब कुछ ग्राइंड कर दिया, जो मैंने आपको बिगनिंग में दिखाया था कि ये अवेलेबल होना चाहिए इंग्रेडिएंट हमारे पास, तो ये हमने सब को मिला के रखा है, वी हैव टू प्रिपेयर इट। तो वहां से मैंने गैस पे रखा है, और यहां से मैंने ये प्रिपेयर करके रखा है। तो गाइज, मैंने बहुत कोशिश की कि लाइट का अरेंज हो जाए किचन में, तो अब मैंने किया, तो मैं किचन में आ गया हूं। तो आप पहले इसकी तरफ देखिएगा कि कुकर में अभी भी ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी बॉईल हो रहा है, यानी कि जो गाजर का जो पानी है ये निकल रहा है और एब्जॉर्ब हो रहा है। दैट मीन्स कि अभी इसको लगेंगे 10-20 मिनट, तो हमें स्टायरिंग कंटिन्यू करनी है और ढक्कन भी रखना है 1-2 मिनट के बाद फिर से चेक करना। तो हम अब इसको शुगर डालेंगे इसमें हम। तो मैंने एक पूरी जो छोटी छोटी सी बाउल लेके मैंने ये डाली, ये अबाउट 150 to 200 ग्राम्स होंगे। तो अगर फिर हमें थोड़ा सा लगा कम तो फिर हम वो डाल सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा और स्टायरिंग करूँगा इसमें, और फिर से मैं इसमें ढक्कन रखूँगा। तो गाइज, अब हम इसमें दूध डालेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर देसी मिल्क होगा दैट इज द बेस्ट, एंड दैट आल्सो शुड बी प्रेफर्ड फर्स्ट। तो मेरे पास इस टाइम था नहीं, तो मैंने ये मिल्क पैकेट लिया, अमूल का 10 रुपए का आता है, तो मैंने ले लिया। अब मैं ये इसमें डाल रहा हूँ दूध, तो ये मैंने डाल दिया। अगर तो अब हम इसमें फिर से स्टायरिंग करेंगे। आप देख सकते हो कि इसमें कितना अमाउंट कम हुआ। पहले जब मैंने गाजर डाले थे बिल्कुल कुकर बिल्कुल फुल था, मुझे तो लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, लेकिन आप देख सकते हो कि कितना रिड्यूस हो गया है। अभी थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, जब तक कि अच्छे से गल ना जाए। हमें स्टायरिंग और ढक्कन इस पर रखना है और फ्लेम पर रखना है। हमारे पास हीटर है, थोड़ा सा हमारा अभी वो सेटअप नहीं है किचन का, तो हमने हीटर पर ही बनाया। तो जब हमने इसमें दूध डाला था, तो उसके बाद मैंने 10 to 15 मिनट फ्लेम पे रखा, हाई फ्लेम पे। तो अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल ये एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स लास्ट पे डाल रहे हैं, कि ये मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा फिर से स्टायरिंग करूँगा। तो बस अब सिर्फ हमें 5 मिनट तक ये फिर से हमें हाई फ्लेम पर रखना है, और मैं थोड़ा इसको पहले स्टायरिंग करूँगा अच्छे से। तो उसके बाद मैं इसको अब ढक्कन रखूँगा 5 मिनट तक। तो उसके बाद हमारा गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा, एंड द पेशेंस इज ओवर। तो ये रहा हमारा गाजर का हलवा रेडी। आप देख सकते हो मैंने ये मिक्स कर दिया इसमें ड्राई फ्रूट, तो हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया। अब आप खा सकते हो गाजर का हलवा। अगर आपको गाजर का हलवा ये मेरी
अब आप भी ट्राई कर सकते हो ऐसे ही गाजर का हलवा, तो कैसे बनाइएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हमें, ताकि हमें भी पता चले आपका गाजर का हलवा कैसे बना। तो अगर ये चैनल आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।